मैं इनका रफ्तार पकड़ लिया, पीछे वाला भाई साहब थोड़ा जल्दी में है ऐसा लग रहा है। अभी देखिए सामने एक रोड कर पाएगा, देखिए मैं हिल टो यूज करूंगा, तो हिल टो यूज करके मैं सेकंड गियर में डाउनशिफ्ट किया और अब देख सकते हैं मैं कितना फास्ट यहाँ से निकल गया। देखिए जब भी मैंने क्लच प्रेस किया उसके बाद मैं एक बार देखिए थ्रॉटल ब्लिप कर रहा हूँ, एक्सीलरेटर को एक बार ब्लिप कर रहा हूँ। रेव मैचिंग का मतलब है दोस्तों इंजन का जो स्पीड है वो क्लच प्रेस करने के बाद रिड्यूस हो जाता है। अभी मैं सेकंड गियर में एंगेज करूंगा, देखिए और भी तेज झटका लगा। नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, सपोज आप किसी एक गाड़ी को बहुत ही जल्दी ओवरटेक करना चाहते हैं, टू लेन रोड है और वहाँ पे बहुत जल्दी ओवरटेक करना पड़ता है, मगर आपके मर्जी के माफिक गाड़ी पिकअप नहीं लिया और शायद आपको लगा कि वहाँ पर डाउनशिफ्ट करना पड़ता था, मगर आप किसी भी वजह सही टेक्निक पता ना होने के लिए आप वहाँ पर डाउनशिफ्ट नहीं कर पाए। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आज आपके लिए है। दोस्तों यहाँ पर एक सिग्नल है, हालांकि सिग्नल ओपन हो गया है, तो मैं ये सामने का रोड में जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा। सपोज़ अभी आप देख सकते हैं मैं थर्ड गियर में एंगेज किया, ओके, तो अभी देखिए मैं अभी फुल क्लच करूँगा। देखिए फुल क्लच किया, अभी मैं क्लच को रिलीज़ करूँगा, देखिए कैसे गाड़ी का स्पीड स्लो हो गया। अभी क्लच रिलीज़ किया, अब देख सकते हैं एक झटका जैसा लगा। अभी मैं सेकंड गियर में एंगेज करूँगा, देखिए और भी तेज झटका लगा। तो अभी स्पीड मेरा कम है, 20-30 के आसपास है। अगर मैं ज़्यादा स्पीड में यह करता, 60-70 और उससे भी ज़्यादा स्पीड में करता तो ये झटका काफ़ी तेज होता। तो ज़्यादा स्पीड में अगर आप डाउनशिफ्ट करना चाहोगे तो आपको रेव मैचिंग करना पड़ेगा। रेव मैचिंग का मतलब क्या है? रेव मैचिंग का मतलब है दोस्तों इंजन का जो स्पीड है वो क्लच प्रेस करने के बाद रिड्यूस हो जाता है। आप अगर मेरा स्क्रीन में देखोगे तो टैकोमीटर में आप देखोगे मैं जब क्लच प्रेस कर रहा हूँ तब इंजन का स्पीड रिड्यूस हो रहा है। तो आगे चल के मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देखिए जब भी मैंने क्लच प्रेस किया उसके बाद मैं एक बार देखिए थ्रॉटल ब्लिप कर रहा हूँ, एक्सीलरेटर को एक बार ब्लिप कर रहा हूँ और तुरंत मैं गाड़ी का डाउन शिफ्ट किया। अभी फ़िलहाल यहाँ पर स्पीड ब्रेकर आ गया तो मुझे गाड़ी को स्लो डाउन करना पड़ा। तो थ्रॉटल ब्लिप करने के बाद जब आप तुरंत डाउन शिफ्ट करेंगे उसके बाद अगर आप एक्सीलरेटर प्रेस करोगे तो आपको बहुत जल्दी एक बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही अच्छा पिकअप देखने को मिलेगा। दो टाइप का टेक्निक यूज़ करके आप रेव मैचिंग कर सकते हैं। तो मैं प्रैक्टिकली दो टाइप का टेक्निक यूज़ करता हूँ जब मुझे जिसका ज़रूरत पड़ता है। तो फर्स्ट टेक्निक है दोस्तों, आप नोट करके रख सकते हैं, क्लच इन ब्लिप शिफ्ट क्लच आउट देन रेस। एंड सेकेंड टेक्निक इज़ क्लच इन शिफ्ट ब्लिप क्लच आउट एंड देन रेस। दोस्तों ये टेक्निक को आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप इसे अप्लाई कर पाओगे और इसे आप सोच सोच के अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए बाय रिफ्लेक्स एक्शन। तो अभी मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा, हालांकि मैं अभी भी एक बार आप देख सकते हैं रेव मैचिंग किया। तो जब भी मैं डाउनशिफ्ट करता हूँ मैं जनरली 90% टाइम रेव मैचिंग करता हूँ, मैं तब रेव मैचिंग नहीं करता हूँ जब गाड़ी स्लो हो जाती है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी जब रनिंग रहता है तब मैं रेव मैचिंग करके ही डाउनशिफ्ट करता हूँ। तो मैं एक रोड ढूंढ रहा हूँ अभी जहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से डेमो दिखा सकता हूँ। तो आगे अभी मैं जाऊँगा, यहाँ पर यह रोड थोड़ा ख़राब है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं देखिए मैं डाउन शिफ्ट किया सेकंड गियर में और ब्लिप करके मैंने शिफ्ट किया तो एक बहुत ही स्मूथ डाउन शिफ्टिंग हुआ। हालांकि यहाँ पर रोड ख़राब है और मैं अभी स्लो चल रहा हूँ, फिर भी मैं रेव मैचिंग करके ही डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपके गाड़ी में बैठा होगा ना उनका राइडिंग एक्सपीरियंस भी मैटर करता है।
उनको अगर ऐसा लगता है कि आप ऐसा चला रहे हो कि उनका राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा है, झटका लग रहा है बार बार, तो ये आपका ड्राइविंग के ऊपर ही एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर हिल टू रेब मैचिंग किया, ब्रेक अप्लाई करते हुए ही मैं थोड़ा ब्लिप कर दिया था यहाँ पर, तो इसलिए मुझे टो प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करना पड़ा और हिल यूज़ करके मैं ब्लिप किया। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रोड थोड़ा खाली है, हालांकि जगह जगह पर स्पीड ब्रेकर है। देखिए, अभी यहाँ पर मैं तुरंत डाउनशिफ्ट किया यूजिंग रेब मैचिंग टेक्निक। तो स्पीड ब्रेकर के आगे डाउनशिफ्ट करने के टाइम भी आप रेब मैचिंग यूज़ करके तुरंत डाउनशिफ्ट कर सकते हैं। मैं बहुत सारे दोस्तों को देखा, वो स्पीड ब्रेकर आने के बावजूद भी डाउनशिफ्ट नहीं करते हैं, वो हायर गियर में ही स्पीड ब्रेकर के ऊपर से तेज़ी से गाड़ी चला देते हैं। यहाँ पर देखिए, और एक स्पीड ब्रेकर है, तो यहाँ पर भी मैंने सेकेंड गियर में डाउनशिफ्ट किया और धीरे से स्पीड ब्रेकर को क्रॉस किया। तो सेकंड गियर होने के वजह से अच्छी तरह से स्पीड ब्रेकर क्रॉस हो गया और उसके बाद मैं पिकअप भी ले लिया क्विकली। तो स्टॉप गो ट्रैफिक में दोस्तों, अगर आप मैनुअल कार चलाएंगे और अगर आप रेब मैचिंग सीख जाओगे प्रॉपरली, तो दोस्तों आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पर हिल टो यूज़ करके यह स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करूँगा। ज़रूरी नहीं है हील टो यूज़ करके क्रॉस करना, मगर मैं हील टो यूज़ करके बहुत ही स्मूथली डाउनशिफ्ट कर रहा हूँ और स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने के बाद मुझे पिकअप चाहिए था, तो इसलिए मैं इस तरह से डाउनशिफ्ट किया। दोस्तों, ये टेक्निक आप पहाड़ में भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि पहाड़ में तो ये टेक्निक जानना बहुत ही ज़रूरत है। रोड कर्व में अगर आप स्पीड मेंटेन करके निकलना चाहते हो तब भी यूज़ कर सकते हो। अभी देखिए, सामने एक रोड कर्व आएगा, देखिए मैं हिल टो यूज़ करूँगा। तो हिल टो यूज़ करके मैं सेकंड गियर में डाउनशिफ्ट किया और अब देख सकते हैं मैं कितना फास्ट यहाँ से निकल गया। हिल टो यूज़ करने का ये वजह थी दोस्तों, क्योंकि कर्व में जब मेरा एंट्री हो रहा था तब मुझे ब्रेक अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि तब मुझे स्पीड को घटाना पड़ गया था। जैसे अभी आप देख सकते हैं, ये स्पीड ब्रेकर आने से पहले भी मुझे ब्रेक अप्लाई करना पड़ा, मगर स्पीड जब घट जाता है तब उसके तुरंत बाद ही जब कार चले आते हैं तब आपको गाड़ी को उठाने का ज़रूरत पड़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं ब्रेक अप्लाई करते हुए ही एक बार थ्रॉटल ब्लिप किया और उसके बाद तुरंत डाउनशिफ्ट किया और पिकअप लेके आगे निकल गया। जैसे यहाँ पर भी मैं हल्का से हिल टो किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर आ गया, तो यहाँ पर मैं बहुत ही स्लो करके गाड़ी को निकाला। तो दोस्तों, ग्रेजुअली मैं इस रोड में मर्ज कर गया, बहुत सारे बाइकर्स हैं इस रोड में। तो मैं अभी थर्ड गियर में अपशिफ्ट किया और पीछे से एक कार मुझे ओवरटेक किया। अभी देखिए, मैं फोर्थ गियर में अपशिफ्ट करूँगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा पिकअप लूँगा, देखिए मैंने ब्लिप किया और उसके बाद तुरंत थर्ड गियर में एंगेज कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं मैं कितना फास्ट ये एसयूवी को पकड़ लिया। हालांकि आगे ये बाइकर्स है जो थोड़ा स्लो चल रहे हैं, जिस वजह से मैंने इनको ओवरटेक नहीं कर पाया, बट मैं इनका रफ्तार पकड़ लिया। पीछे वाला भाई साहब थोड़ा जल्दी में है ऐसा लग रहा है। तो देखिए, ओह, ये बाइकर्स भी ना कहाँ से चल रहा है, इन लोगों के वजह से मुझे स्लो करना पड़ा। तो ठीक है, कोई नहीं, अभी ये रोड ख़त्म ही होने वाला है। तो मैंने फिर से डाउनशिफ्ट किया सेकंड गियर में, यहाँ पर कुछ स्पीड ब्रेकर्स है, तो स्पीड ब्रेकर्स को मैं धीरे धीरे क्रॉस किया। अभी आगे चल के देखना है सिग्नल है या नहीं।
देख के तो लग रहा है यहाँ पर सिग्नल अभी रेड है। ओके तो दोस्तों यहाँ पर रोड में थोड़ा कॉन्जेशन था, जिसलिए मैं डाउनशिफ्ट करने के बाद भी उतना जल्दी पिकअप नहीं ले पाया था। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्जेशन है और फिर से और एक स्पीड ब्रेकर आ गया है यहाँ पर। तो इतना ज़्यादा स्पीड ब्रेकर जहाँ पर होगा दोस्तों, वहाँ पर गाड़ी उठाने का जगह ही आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर एक बार कोशिश करके देखते हैं। थर्ड गियर रेव मैच, नाउ आई कम टू सेकंड गियर। आरपीएम बहुत ज़्यादा हो गया, मगर आप देख सकते हैं मेरा स्पीड भी तुरंत बढ़ गया था, और वो भी कोई मतलब एबनॉर्मल शेकिंग नहीं हुआ, जर्क नहीं हुआ, और बहुत ही स्मूथली दोस्तों थर्ड गियर से सेकंड गियर में डाउन शिफ्ट हुआ। तो राइट साइड का सिग्नल ओपन था, तो इसलिए मैं दोस्तों राइट साइड का रोड में आ गया। तो ये टेक्निक को दोस्तों आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, यू नीड टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये सीखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साल से गाड़ी चलाते हैं, मगर ये सब टेक्निक उनको पता नहीं होता है। तो मैं पहले ही ऑलरेडी सीक्वेंस आपको बता चुका हूँ, तो आपके हिसाब से इसे सीख सकते हैं, और जहाँ पर रोड खाली होता है तब आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ग्रेजुअली आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।